वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेक ओवर। सो गाइस, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ रिसेप्शन मेकअप लुक। ये एकदम सिंपल मैंने रिसेप्शन मेकअप लुक बताया है, क्योंकि आउटफिट तो जो भी थी मेरे पास मैंने वो वेयर करवाई। ये मेरी स्टूडेंट है तो मैंने इन्हें एज ए मॉडल चूज़ किया था मेकअप के लिए, सो इस वजह से। अगर आप ये लुक सीखना चाहते तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने इनका क्लेंजिंग कर दिया है, तो उसके बाद मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं VLCC की रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप CTM जरूर फॉलो करें अगर आप पार्लर में भी कर रहे हो या फिर खुद से घर पे भी कर रहे हो। और ये वाला जो मैंने रिसेप्शन मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये आप इजीली लहंगा पे भी कर सकते हो, साड़ी एकदम हैवी वाली उस पर भी कर सकते हो। देन ये मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ, आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और मैं ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। CTM यानी क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, इसके बाद ही आपका आगे का स्टेप स्टार्ट होता है, ठीक है। देन आपको आईब्रो फिल करना है। मैं पहले आईब्रो फिल कर रही हूँ, तो स्विस ब्यूटी की आईब्रो किट ले रही हूँ। ये आईब्रो एंड जेल लाइनर इसमें दोनों रहता है। एक एंगल ब्रश लेना है आपको जिसमें एंगल बना हुआ हो, एंड आपको जिस शेप में इनकी आईब्रो आप देख सकते हो उसी शेप में आपको फिल करना है। गाइस, आपकी मैंने सितंबर में ही आप लोग को पूछा था कि आप लोग कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइडल, रिसेप्शन, और बहुत लोगों ने बोला था रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग। तो मैंने ब्राइडल मेकअप की वीडियो डाल चुकी हूँ, इंगेजमेंट की भी डाल चुकी हूँ, रिसेप्शन की आज मैं डाल रही हूँ। और रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग की तो बहुत सारी मैंने डाली है, और टोटल हेयर कट की भी मैंने डाल दी है। मेक श्योर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे, कोई भी रिक्वेस्ट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। गाइस, मेरे पास तो हैवी साड़ी नहीं था, ठीक है। तो होता है ना, जैसे कि आप रियल क्लाइंट पे करते तो वो एक्सेसरीज फिर साड़ी तो हैवी लाते, रिसेप्शन में अधिकतर लोग साड़ी भी पहनते हैं, तो मैंने भी कुछ इस तरह से क्रिएट किया था। देन ये स्विस ब्यूटी की कंसीलर है, ये अंडर 200 रुपीज़ का कंसीलर है। इसमें मेरा शेड है शैंड, जो मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि कंसीलर आप लाइट शेड का यूज़ करोगे ताकि आप जो भी आई मेकअप करो वो अच्छे से पॉप आउट हो। थोड़े अच्छे क्वांटिटी में कंसीलर अप्लाई एंड ब्रश की मदद से आईब्रो के जस्ट नीचे इस तरह से आपको ऐसे दिखाना है, इससे आपका आईब्रो डिफाइन लगता है। इसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेबलिन फिट मी की ये कॉम्पैक्ट है, इसे मैं सेट कर रही हूँ। ये कॉम्पैक्ट भी 150 का है गाइस, और बहुत अच्छा है, मेरा एक पैन ख़त्म हो चुका है। देन स्विस ब्यूटी की ये हाइलाइटर है, ये ब्रिक वाली हाइलाइटर है, तो सबसे लाइट शेड को मैं ले रही हूँ, ब्राबोन को हाईलाइट कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए निका की आई शेडो पैलेट का यूज़ कर रही हूँ। ये आई शेडो पैलेट अभी बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है गाइस, इसे हुडा ब्यूटी का ड्यूप कहा जाता है, और मैंने भी इसे ट्राई किया, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। एंड पैक की 203 ब्रश ले रही हूँ मैं, एक ये ब्लेंडिंग ब्रश है, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, ना ज़्यादा बिग है, और येलो कलर को पिक करना है आपको, और जो भी एक्सेस है उसे टैप ऑफ कर दीजिए। और ये रहा इनका क्रीज, आपको क्रीज पे देना है येलो कलर को। मैं जो ये आई मेकअप कर रही हूँ ना, मैंने एकदम अकॉर्डिंग ड्रेस के नहीं किया, मैंने ये जो आई मेकअप किया ये इस बात को ध्यान में रख के किया है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है रिसेप्शन के लिए, वो एकदम सिंपल मेकअप करवाना चाहता है, बिल्कुल हैवी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कमेंट में बहुत लोग मुझे ये भी बोल सकते हो कि मैम सिंपल है, इस वजह से मैं ये आपको बात बता रही हूँ। देन इसी आई शेडो पैलेट में से मैंने डार्क कलर को पिक किया था जो आपने देखा ऑरेंज, और उसे भी मैं क्रीज पे बफ कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। क्रीज में जब भी ब्लेंडिंग करते एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज और सर्कुलर। और ये जो ब्रश है ना गाइज, ये एक ही ब्रश का मैंने यूज़ किया, एक और ब्रश है जो कि नॉर्मल इलेक्ट्रोमैनिया ब्रांड की मैंने ली थी अमेजोन से। गाइज, पैक की ब्रशेस बहुत अच्छी होती है, आप बिगनर्स हैं ना, आप 500 का अगर एक ब्रश पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 203 पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये इलेक्ट्रोमैनिया की ब्रश है, इसमें दोनों शेड को ले रही हूँ, ब्राउन और डार्क ऑरेंज कलर को, और मैं आउटर कॉर्नर पे ओनली पैट कर रही हूँ जहाँ से हमारी आईब्रो की आर्च शुरू होती है, पैट किया। और सेम पैक की ये ब्रश है 203, इससे ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप मुझसे अगर सजेशन लोगे मैम कौन सा ब्रश ले, तो अफोर्डेबल में इलेक्ट्रोमैनिया ब्रांड के ले सकते हो, और पूना स्टोर की अमेजोन से, और ब्रांडेड में पैक की। अब ये हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, उसमें से ये रेड कलर को ले रही हूँ। तो ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि साड़ी में ना हल्का रेड का हिंट था, तो थोड़ा सा क्रीज डेप्थ लगे। बस क्या करना है, हल्का आपको आउटर कॉर्नर पे पैट करना और क्रीज पे बफ करके ब्लेंड करना एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। बहुत ओम्ब्रियो टाइप का इफेक्ट आ रहा था और बहुत फिनिशिंग लग रहा था
गाइज आप भी स्लोली स्लोली कलर को बिल्ड करें। जैसे आपने देखा ना, मैं 4 से 5 शेड यूज़ किया है, धीरे धीरे मैंने बिल्ड किया है। आप भी इस तरह से करें और आराम से सीख जाओगे आप आई मेकअप। मेरी वीडियो उसको आप रेगुलर फॉलो कीजिए, अदर की वीडियोस भी देख सकते हो। आपको आराम से प्रैक्टिस जितना आप करोगे ना, अभी मैं इतनी भी प्रो नहीं बनी हूँ गाइज, क्योंकि देखिए मेरा ज़्यादा हुआ भी नहीं है दिन। मैंने बोला ही ना आप लोगों को, 1.5 साल के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने सीखा है, तो क्या पता 5 साल बाद मैं और अच्छी हो जाऊँ। सो उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की लिक्विड आई शेडो ले रही हूँ। ये एक गोल्डन और शेड आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो गोल्डन और डार्क जो होता है ना गाइज ऑरेंज, उस शेड का है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस शेड का दे दूंगी। ये आपको अप्लाई करना है क्रीज पे। मैंने कोई कंसीलर से कट क्रीज नहीं बनाया, बस इससे आपको क्या करना है, थोड़ा क्रीज टाइप का बना लेना है, यानी हाफ तक ही। पूरी आईलिड पे अप्लाई मत कीजिएगा, हाफ। और ये हुडेड आइज़ है इनकी। हुडेड का मतलब होता है थोड़ी सी दबी हुई आइज़ होती है, क्रीज पता नहीं चलता है इनके आइज़ पे। और इनकी आइज़ पे थोड़ी थी वो भी थी, फाइन लाइंस भी बहुत ज़्यादा थी, तो आपको दो दो क्रीज दिखेगा। सो जो एक्चुअल क्रीज होता है उससे थोड़ा एबव आपको करना है। अब मैंने थोड़ा डार्क कलर को लिया है, मरून कलर को, सेम पैक के ब्रश से, और हल्का डिफ्यूज़ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर को, ताकि कोई भी ग्लिटर का जो लाइन होता है ना वो दिखाई ना दे। ये स्विस ब्यूटी की जेल लाइनर है, और मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। इसे आप बटरफ्लाई विंग लाइनर भी बोल सकते हो। पहले इस तरह से वी बनाइए और नीचे में उसे टर्न कर दीजिए। ये एक जेल लाइनर है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, और मैं एक एंगल ब्रश की मदद से जेल लाइनर को अप्लाई कर रही हूँ। सो स्विस ब्यूटी की जेल लाइनर भी मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज। रियली मैं ये निका के आई शेडो पैलेट आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, एंड मुझे इतना अच्छा लगा गाइज। 300 रुपीज़ में मैंने नायका से परचेज़ किया था। हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये सारा सेड मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी सेड, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। सो आज जो भी मैंने मेकअप आप लोग को बताया है गाइज, बहुत बहुत अच्छे प्रोडक्ट से बताया है। आप अपने पार्लर में ज़रूर ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बस ध्यान से कीजिएगा अगर बिगनर से तो। देन ये वेट एंड वाइल्ड की मस्करा है, और मैं मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी कि इनकी आईलेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत अच्छी लैसेस थी गाइज। और आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में इनको देखा होगा, एज ए मॉडल मैंने चूज़ किया है, बहुत अच्छी गाइज, मेरी हेल्प भी करती है बहुत कुछ में। तो होता है जब आप पार्लर सिखाने लगते हो किसी को, तो आपका स्टूडेंट से बॉन्डिंग हो जाता है। उसके बाद मैं पैक की M75 लैसेज है, मतलब उसका नंबर मैं बता रही हूँ, मैं पैक के लैसेज को अप्लाई कर रही हूँ। देन लैसेज अप्लाई करने के बाद हम यूज़ करेंगे प्राइमर, तो मैं स्टे क्योर की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड अच्छा प्राइमर है। तो सबसे पहले हम कलर करेक्ट करेंगे। मैं क्रेलॉन की सुप्रा पैलेट में 303 शेड को पिक कर रही हूँ, जो कि ऑरेंज करेक्टर है, आप बोल सकते हो ऑरेंज शेड का है। तो ऑरेंज और येलो अंडरटोन इसमें मिक्स है। इन्हें पिगमेंटेशन है लिप्स के पास, अंडर आई के नीचे, पिंपल्स के मार्क्स है, ब्लैक स्पॉट्स भी है। तो इस वजह से आप कलर करेक्ट करके ही करोगे मेकअप, ध्यान रखने वाली बात है ये। तो कभी भी ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करोगे। और इनके शेड का मिलता हुआ, जैसे आप देख सकते हो इनकी कलर कम्प्लेक्शन ज़्यादा फेयर नहीं, मीडियम है, और इन्हें थोड़ी सी नेक पे भी डार्कनेस है, फेस पे भी डार्कनेस है, तो आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आपका बेस फ्लॉलेस होगा। देन ये पैक की ब्यूटी ब्लेंडर है, और उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ पूरे फेस पे जो भी मैंने अप्लाई किया था। सो गाइज, इसे ब्लेंड करने के बाद इसके ऊपर मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, पैक की HD फाउंडेशन इन दी शेड 2.8, ये शेड है, या फिर 3.0 है। तो ये एग्जैक्ट इनकी स्किन टोन से मिलता हुआ शेड है, आई थिंक 3.0 है। तो मैं पैक की ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ये बफिंग ब्रश है। ब्रश से अप्लाई करने से क्या होता है, आपको फुल कवरेज देता है, क्योंकि स्पंज ना बहुत सारे प्रोडक्ट को सोक कर लेता है। पहले ब्रश की मदद से कर लीजिए, देन आप क्या कीजिए, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर लीजिए। उसके बाद हाईलाइटिंग कंसीलर के लिए FS28 और FS29 का यूज़ करूँगी अंडर आई के नीचे। ये एज ए हाईलाइटिंग कंसीलर वर्क करेगा, क्योंकि हमें अपने दबे हुए पार्ट को थोड़ा उभारना होता है।
सो गाइज ये इनकी स्किन से एक सेड ही लाइट है। मैं ज़्यादा लाइट सेड का कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो फ्लैशबैक देने लगता है। देन इसी पैलेट में से मैं डार्क कलर को ले रही हूँ, वो क्रेलॉन की सुपड़ा पैलेट। ये थोड़ी क्रीमी होती है, ये सितंबर अभी है जैसे, तो आप आराम से ठंड के मौसम में सुपड़ा पैलेट का यूज़ कर सकते हो। और इसी से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो आपने देखा होगा मैंने जॉ लाइन पर जहाँ कंसीलर अप्लाई किया उसी के जस्ट एवं मैंने कॉन्टोर को अप्लाई किया, नोज़ पर अप्लाई किया, जॉ लाइन एंड फोरहेड्स पे। इससे आपके फीचर्स बहुत इन्हेंस लगते हैं गाइज, बहुत अच्छा कॉन्टोरिंग से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, चिल्ड फेस लगता है, फिर अच्छा इफेक्ट आता है। और फेस पे जब भी करते हैं ब्लेंड अपवर्ड कीजिएगा कॉन्टोरिंग को, क्योंकि ना नीचे करोगे तो नीचे पूरा मतलब डार्क पड़ जाएगा, इस तरह से एबव करके आपको करना है। सो ब्लेंडिंग पे ध्यान दीजिए, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका बेस मेकअप आई मेकअप होगा। नोज़ पे पहले मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कर रही हूँ, देन मैं फिंगर की मदद से कर रही हूँ क्योंकि फिंगर की मदद से भी बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड यू कैन सी कि नोज़ कितने पतले लग रहे हैं। अब मेकअप रिलेशन की बनाना पाउडर ले रही हूँ, इंटायर फेस को मुझे सेट करना है। सो मैं लिटिल बिट बेकिंग करूँगी, बेकिंग का मतलब 2 से 3 मिनट के लिए फेस पे मैं बनाना पाउडर को छोड़ूंगी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं मैम लूज़ पाउडर बनाना पाउडर या कॉम्पैक्ट में कौन सा अच्छा होता है, तो लॉन्ग लास्टिंग बनाना पाउडर और लूज़ पाउडर होता है। आप मेबलिन के लूज़ पाउडर को भी यूज़ कर सकते हो। सो जब तक बेकिंग होगा हम कॉन्टोरिंग ब्रॉन्जिंग कर लेंगे। पाउडर वाले प्रोडक्ट को हम ब्रॉन्जिंग बोलते हैं, क्रीम वाले प्रोडक्ट को हम कॉन्टोरिंग बोलते हैं। सो कॉन्टोरिंग को सेट करना है हमें ब्रॉन्जिंग से, यानी फेसेस कनाडा की आई शेडो पैलेट है ये, आई शेडो नहीं ट्रायो पैलेट है, जिसमें कि 3 आपको मिलता है, ब्लश हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर। सो जहाँ हमने कॉन्टोर किया था वहाँ हमने सेट कर लिया, एंड ब्लश मैं अप्लाई कर रही हूँ इसी पैलेट की मदद से एपल्स ऑफ द चीक्स पे। सो ये जो पैलेट है गाइस ट्रायो पैलेट, ये बहुत मुझे पसंद आया क्योंकि क्या है तीनों चीज़ है तो आपको ना एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो तीनों चीज़। और जो भी एक्सेस पाउडर था उसे रिमूव कर दीजिए, एंड लिटिल बिट नेक को मैं सेट कर रही हूँ और अंडर आई को मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट से। पूरा मैटिफाइंग फेस हो गया है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये मेकअप हो जाएगा। अब मैं लोअर लैश लाइन को कंप्लीट करने के लिए तीनों सेड को ले रही हूँ, एग्जैक्टली जो हम क्रीज पे वर्क किए थे वही सेड को मैंने लिया है स्मॉल ब्रश की मदद से, और ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। और इसके बाद मैं वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ जो कि वेट एंड वाइल्ड का है, क्योंकि इनकी आईज़ थोड़ी दबी हुई है, हुडेड है इस वजह से। सो उसके बाद मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के मेकअप फिक्सर का। ये फिक्सर भी अंडर 400 रुपीज़ है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे इसी पैलेट की मदद से। सो मैं 2 हाइलाइटर का यूज़ करूँगी, एक ये वाला सेड और एक मेकअप रिलेशन का यूज़ करूँगी। दोनों का दोनों बहुत अच्छा है गाइज। और मैंने ना नोज़ की जो की थी कॉन्टोरिंग उसे सेट नहीं किया था, तो उसे भी हल्का मैंने सेट कर लिया ब्रॉन्जिंग से। ये रहा मेकअप रिलेशन का हाइलाइटर। लास्ट में लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये है मेबलिन की सुपर स्टे की लिपस्टिक इन दी सेड MBCS। ये लिपस्टिक वर्थ बाइंग है, 650 का है आई नो, बट अगर आप अपने ब्राइड को लगाओगे लिपस्टिक ना तो 24 घंटे या 18 घंटे तक कहीं ही जाने वाला है। सो आप इस लिपस्टिक पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्ट में मैं स्विस ब्यूटी की फिर से ले रही हूँ लिक्विड आई शेडो, ये दूसरा शेड है, लाइट शेड है ये, इसे इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ। सो कंप्लीट यही पे मेरा मेकअप होता है गाइज। बेस बहुत फ्लॉलेस एंड बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट में मस्करा से ही मैं आईब्रो को थोड़ा सेट कर रही हूँ। सो कंप्लीट फाइनल रिजल्ट गाइज, मैंने एक सिंपल साड़ी वेयर करवाया था जो मेरे पास था, जो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, और ये ज्वेलरी भी मैंने अमेजोन से साड़ी परचेज़ की है। और हेयर की वीडियोज़ आप देखना चाहते हो यानी हेयर स्टाइल की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल होगा तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।